मुझे पता था आप आज घर पर ही होंगे। बस अभी कुछ ही वक्त में साहिर अपनी बहन को लेकर आता होगा। बेहतर है कि ये किस्सा आप आज निपटा दें। कौन सा किस्सा? आप आज साहिर की बहन को साफ साफ जवाब दे दीजिए और बता दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे साथ एक सौदा किया था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, आप भोले के साथ जो कुछ करते आ रहे हैं या कर रहे हैं उसमें मैं टांग ना अड़ा, तो उसके बदले आप मेरी असलियत किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर मुझे अफसोस है कि आपकी ही बीवी आपके इस वादे की लाज ना रख सके। ये सब कुछ इस वक्त दोहराने का क्या फायदा? और वैसे भी तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काश मुझे अपनी खुशकिस्मती का पहले अंदाजा होता चाचा जी। पता नहीं कौन सा खौफ था जिसकी वजह से मैं आपके दबाव में आ गई, लेकिन अब ना मुझे किसी किस्म का खौफ है और ना मुझ पर किसी भी किस्म का कोई दबाव है, बल्कि अब तो वैसा ही एक सौदा मैं आपसे करने की हैसियत रखती हूं। अपनी किसी भी हैसियत का रूप मुझ पे जमाने की जरूरत नहीं है। मानता हूं तुम्हारी एक साजिश कामयाब हो गई। तुमने भाभी जी को मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे यहां से भेज दिया जाए। मुबारक हो, खुश हो जाओ। वक्ती तौर पे मैं यहां से जा रहा हूं। पहले तुम बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम साहिर और कोमल की शादी क्यों रुकवाना चाहते हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे?